अपन बात करेंगे IFL इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 13.40 पर ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम चार्ट की अगर बात करें तो कंपनी ने 18% के रिटर्न दिए हैं। और अगर कंपनी के पिछले कुछ समय की बात करें तो 2019 से लेकर 2023 तक कंपनी ने 3,890% के शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बारे में बात करें तो 2.84% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक में निवेशक हो या निवेश करने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो 2 से 3 मिनट का है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से कंपनी के जो फंडामेंटल है उनके बारे में स्टडी करेंगे और किस प्रकार से ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टी मेगा रिटर्न दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर कंपनी के जो Q4 है उसके नंबर्स भी आ गए हैं और फाइनेंशियल 2023 के नंबर भी देखने को मिलेंगे, जिसके कारण किस प्रकार यहाँ पर फ्यूचर में आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। फंडामेंटल की अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 304 करोड़ का है, पेस वैल्यू 1 रुपये, PB 10.33, बुक वैल्यू 1.30 रुपये, और जो अगर कंपनी का रियल वैल्यू यानी 13 रुपये, यानी कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा है। अगर अपन बात करें प्रमोटर होल्डिंग 1.21, TTM EPS की अगर बात करें तो यहाँ पर हम नेगेटिव में 0.01 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर अपन बात करें कंपनी की सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पर पिछले 5 सालों के अंदर -14.74, पिछले 3 सालों की -39.6, पिछले लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 7.06 देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें पिछले 5 सालों के अंदर -178.43, पिछले 3 सालों के -288.45, लास्ट ईयर की अगर बात करें तो -73.48% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो पिछले 5 सालों के अंदर -0.04%, पिछले 3 सालों के -0.6%, और लास्ट ईयर के -3.39% आपको देखने को। अगर कंपनी के पिछले 5 सालों की अगर नेट सेल्स को अगर देखा जाए तो मार्च 2018 के अंदर 11 करोड़ की सेल्स थी, वो कम होती हुई आपको नज़र आई है, और आप मार्च 2022 के अंदर वो काफ़ी कम 1.46 करोड़ आपको देखने को मिल रही है। उसके साथ अगर नेट प्रॉफिट देखें तो जहां 2018 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आपको देखने को मिल रहा था, वो 19 के अंदर भी आपको पॉजिटिव, 20 में पॉजिटिव, 21 और 22 के अंदर आपको नेट प्रॉफिट नेगेटिव में देखने को मिला है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो 3 क्वार्टर हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जून सितंबर क्वार्टर के अंदर 10 लाख और 24 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और जो दिसंबर क्वार्टर है उसके अंदर भी 15 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती है, क्योंकि पिछले साल कंपनी यहाँ पर नेगेटिव में आपको देखने को मिल रही थी। तो इसी कारण से कंटिन्यूसली अपवर्ड इस स्टॉक में बना हुआ है और कंपनी जो Q4 है उसके नंबर्स भी आ गए। अगर बात करें नंबर की तो कंपनी की टोटल इनकम 0.6 करोड़ थी तीसरे क्वार्टर में, वो बढ़कर 2 करोड़ हो गए, 192% तेजी। नेट प्रॉफिट 0.1 करोड़ से बढ़कर 0.02 सॉरी कम होकर 84% की गिरावट। अर्निंग पर शेयर 0.08 से कम होकर 0.02, 75% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली। पिछले साल के Q4 की अगर बात करें तो पिछले साल के Q4 के अंदर 1.9 कंपनी के टोटल इनकम थी, वो बढ़कर 2 करोड़ हो गए, 3.79 आपको यहाँ पर टोटल इनकम, 3.79 टोटल प्रतिशत यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 1.8 करोड़ से बढ़कर सॉरी कम होकर 0.02, यानी 98% का नेट प्रॉफिट आपको पिछले साल के Q4 की तुलना में जो है देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 6.23 से कम होकर 0.02, यानी 99.66% की अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी की जो टोटल इनकम है 2.5 करोड़ थी, वो बढ़कर 6.4 करोड़, 153% की वृद्धि। नेट प्रॉफिट -0.21 से बढ़कर 0.50, 338% की वृद्धि। अर्निंग पर शेयर -0.71 से बढ़कर 0.42 देखने को मिल रहा है, 159% की वृद्धि यहाँ भी आपको देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी शानदार आपको देखने को मिला, लेकिन शानदार रिजल्ट के पीछे कंपनी का Q4 नहीं, Q1, Q2, Q3 और Q4 सभी मिलकर यहाँ पर हर जगह आपको पॉजिटिव जो है कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला है, और उसी के कारण आपको कंपनी की जो ईयरली जो रिजल्ट है उसके अंदर काफ़ी अच्छा है आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर है तीनों ही जगह आपको शानदार तेज़ी देखने को मिला। हालांकि पिछले साल के Q4 में भी आपकी तुलना करें तो यहाँ पर डाउनवर्ड आपको Q4 देखने को मिला, और Q3 की तुलना में भी Q4 डाउनवर्ड देखने को मिला, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है और इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसमें कुछ जो पहले से ही आपको देखने को मिल रहा था। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लें, क्योंकि जैसे कि अगर बात करें मार्च 2022 के अंदर जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 3.67 थी और उन्होंने कम की है कंटिन्यूसली,
और मार्च 2023 के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी 1.21, यानी काफ़ी कम होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म करती है तो ऑब्वियसली आपको कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी पिछले 3 से 4 सालों से 2018, 2019 और 2020 कंपनी कंटिन्यूसली पॉजिटिव यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी, 21 और 22 में यहाँ पर कंपनी को नुकसान हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो क्वार्टर, चारों क्वार्टर के अंदर कंपनी ने पॉजिटिव यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी कम है और उसमें भी कमी आपको देखने को मिल रही है। पब्लिक यहाँ ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो रिस्क को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह लें और अपने स्तर का जो अध्ययन है उसको करके उसी के बाद ही आप यहाँ पर निवेश करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।